खबर लक्सर से है। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन पहली पारी में सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हाई स्कूल का हिंदी प्रश्न पत्र था, जबकि दूसरी पारी 2 बजे से 5 बजे तक इंटरमीडिएट का हिंदी का प्रश्न पत्र है। दिनांक कैसा है, प्रश्न पत्र क्या थी, व्यवस्थाएं क्या थी, लक्सर केवी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने इस बाबत खुलकर अपने अनुभव मीडिया कर्मचारियों को साझा किए। परीक्षार्थियों ने बताया कि वैसे तो उनके द्वारा भी पूरी मेहनत की गई है, लेकिन फिर भी पहले दिन थोड़ा टेंशन तो रहती ही है, परंतु हिंदी का प्रश्न पत्र काफी इजी रहा। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि लगभग सभी सवाल आसान रहे। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा पूरा प्रश्न पत्र खूब अच्छे से हल कर लिया है और दावे भी किए। मैंने मॉर्निंग से लेकर अब तक जो है 6 केंद्रों का निरीक्षण किया है और उन्हीं सभी जो केंद्र थे उसमें जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल विभाग के जो नियम है उसके अनुसार रूप पाई गई है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो ना किसी बच्चे ने या कहीं किसी लेवल पे कोई लापरवाही रही है। थोड़ा जो इशू रहा है, मैं मानता हूँ कि जो ना कहीं कक्षा की कमी का महसूस रहा है, तो हमने जो बीओज हैं उनको जो ना निर्देशित कर दिया है कि तत्काल प्रभाव से जहाँ पर कमी है वो उनको टीचर को तत्काल भेज दें। कहने को इतने कि हमने अच्छी मेहनत की थी। हमारा जो पेपर था वो हमें बहुत आसान लगा, हमने अच्छे से किया और हमें आशा है कि आगे ऐसे भी हम अपने सारे पेपर अच्छी तरह से कर पाएँ और अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो पाएँ। देखिए, जैसे ही बोर्ड परीक्षा शुरू होने लगी तो उससे पहले ही हमने सारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी थी हमारे यहाँ, क्योंकि बड़ा सेंटर था, 411 बच्चे थे सुबह की मीटिंग में, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी कर रखी थी और तैयारी बहुत अच्छे ढंग से थी। शासन प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है। हमने सुबह थोड़ी सी उसकी परेशानी हुई, गार्जियन वगैरह ज़्यादा आ गए थे, लेकिन हमने उनसे नम्र निवेदन किया। उन्होंने कैंपस पूरी तरीके से बहुत जल्दी छोड़ दिया था, अन्यथा हमें जो है पुलिस वगैरह बुलानी पड़ती। तो CO साहब ने भी ये आश्वासन दिया है, DSP महोदय ने, कि वहाँ पर हम जो है भेज देंगे पुलिसकर्मी ताकि आपको किसी तरह की कोई ऊना हो, और यदि मन में सुधार करने की इच्छा है तो पूरी तरीके से अच्छे रिजल्ट आते हैं।